नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मकान खाली कराए जाने को लेकर एक कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिप्टी सीएम के पास में ऐसा नोटिस जिसके अंदर उनसे मकान खाली कराए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। तो जी हाँ, उन्हें मकान खाली कराए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है और यहाँ तक कि सरकार से भी इस पूरे मामले को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है कोर्ट द्वारा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ये नोटिस डिप्टी सीएम को जारी हुआ है, साथ ही साथ सरकार को भी हलफनामा दाखिल करने के लिए इस पूरे मामले पर कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला आखिरकार है क्या। दरअसल एक ऐसी निजी प्रॉपर्टी को लेकर ये पूरा विवाद है, जिस पर याची ने मामला पहले कोर्ट तक जब पहुंचाया तो बताया कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल डिप्टी सीएम का इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हीं के लेटर के बिहाफ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यहाँ उनकी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम कर दिया। याचिका ये दावा है कि उसके पास वो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसने कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट सबमिट भी किए हैं, जिसके आधार पर वो ये दावा कर रहा है कि डिप्टी सीएम के एक पत्र के कारण उसकी अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को सौंप दिया गया है। इसीलिए अब वो कोर्ट से चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी को खाली कराया जाए, जिस पूरे मामले को लेकर ये पूरा मामला कोर्ट में है और इसी मामले को लेकर नोटिस डिप्टी सीएम तक पहुंचा है। तो विष्णु मूर्ति जो कि यहाँ पर कालिंदीपुरम में उनकी प्रॉपर्टी है और कुंती देवी के नाम पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई, जो प्रॉपर्टी है वो कुंती देवी को दे दी गई, ये आरोप विष्णु मूर्ति की तरफ से लगाया जा रहा है। विष्णु मूर्ति वो याची है जो कि कोर्ट में अपनी याचिका को लेकर पहुंचा और उसी की याचिका के आधार पर आगे की कार्रवाई के तहत डिप्टी सीएम के पास में ये नोटिस पहुंचा है। जस्टिस मनोज कुमार और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने ये नोटिस जारी किया है और 10 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक पत्र भी यहाँ जो विष्णु मूर्ति है उनके द्वारा कोर्ट में सौंपा गया है। उस पत्र में प्रयागराज के एसएसपी को लिखा गया ये वो पत्र है जिसमें खुद डिप्टी सीएम ने ये कहा है, लिखा है कि कुंती देवी को ये प्रॉपर्टी देने के बाद में ये प्रॉपर्टी उनको मिल जाए तो उसके बाद में उनको भी तलब करना है, यानी कि ये बात डिप्टी सीएम को बतानी है। कुल मिलाकर देखा जाए इसी पूरे विवाद के चक्कर में डिप्टी सीएम फंस गए हैं और कोर्ट की ओर से डिप्टी सीएम को नोटिस भेजा गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।